गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज से हम 4x4 रूबिक्स क्यूब का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बिगिनर्स मेथड है या इंटरमीडिएट या एडवांस मेथड है, एक ही मेथड है बेसिकली। उसमें थोड़े बहुत आप वेरिएशंस करके एडवांस लेवल पे जा सकते हो, बट ये जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ ये आप समझ सकते हैं एडवांस मेथड ही है एक हिसाब से, बट आप एज ए बिगिनर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप 3x3 रूबिक्स क्यूब बनाना नहीं जानते तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा आप 3x3 सीखने के बाद 4x4 सीखें। ऑल्सो आपको कलर अलाइनमेंट क्यूब का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, जैसा वाइट के ऑपोजिट येल्लो है, फिर ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज, ये कलर अलाइनमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रूबिक्स क्यूब में 4x4 रूबिक्स क्यूब में हमको कलर सेंटर्स हमको अपने आप से बनाना होता है, इसमें बने हुए नहीं होते, तो इसमें आपको थोड़ा कलर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं ये वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि एक साथ अगर वीडियो बनाऊँगा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज पार्ट वन करते हैं जिसमें हम वाइट का सेंटर एंड येलो का सेंटर, ये वाइट का जो 2x2 का आपको दिख रहा है बीच में ये, और ऊपर का येलो वाला, ये दो हम बनाना सीखेंगे, ठीक है, ये पार्ट वन में। इसके बाद एक एक पार्ट में लाता जाऊँगा। तो चलिए स्क्रैम्बल कर लेते हैं क्यूब को। गाइस आप देख सकते हैं क्यूब अच्छी तरीके से स्क्रैम्बल हो गया। फर्स्ट हमको वाइट बनाना है, आप देख सकते हैं एक पेयर यहाँ पर है, मैं इसको इसके साथ ऐसा पेयर कर दूंगा, फिर हम ये पेयर को नीचे की तरफ ले लेंगे, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं एक पेयर यहाँ है और इसका और एक पेयर यहाँ है, तो मैं इसको ऐसा करके इसके साथ पेयर कर दूंगा, फिर इसको अपनी जगह ला लूंगा और हमारा वाइट सेंटर सॉल्व हो गया। येलो सेंटर सॉल्व करने आपको मैं थोड़े कपल ऑफ एग्जांपल सॉल्व्स बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये एक केस है, तो अगर ये पीस यहाँ है और ये यहाँ है तो सिंपल हम इसको R2RUI2RI करके ऊपर की तरफ पेयर कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं एक पीस नीचे है और एक पीस भी नीचे ही है, तो हम पहले ये पीस को ऊपर लेते हैं, फिर हम इसको इस तरीके से पेयर करते हैं। अब ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं वाइट बने हुआ है, येलो का एक पेयर ऊपर है। अब आप लोग में से बिगिनर बहुत लोग ये गलती करते होंगे कि ये पेयर को यहाँ ला के R U2 R2 R U2 2 R ऐसे करते होंगे, बट इससे सॉल्व नहीं होगा। आपको पेयर इसके एडजेसेंट में रखना है, यानी आप देख सकते हैं वाइट सॉल्व है, येलो इसके ऊपर येलो, इसके बाद आपको 2R U2 2 R I इस तरीके से करना है। सेम अगर राइट साइड पे है तो इसी तरीके से ये एडजेसेंट रख के 2R U2 2 R I, इससे आपका सॉल्व हो जाएगा ऊपर का हिस्सा। गाइज और एक केस ये हो सकता है कि आपका वाइट सेंटर सॉल्व है, येलो के तीन पीसेस ऊपर है, ठीक है, तो तीन पीसेस येलो के ऊपर है, तो आप इसको अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आपका येलो का एक पीस राइट हैंड साइड पे नीचे कॉर्नर में है और इस तरीके से आपको क्यूब को होल्ड करना है कि राइट हैंड साइड पे आपका एक येलो का पेयर एक सॉल्व्ड है, उसके बाद आपको 2L F 2L है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। या फिर आपको L से प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपली ये भी कर सकते हैं, U2 करके आप लेफ्ट तरफ को ये पेयर को लेफ्ट तरफ आप ला ले सकते हैं, उसके बाद F2 करके इस तरीके से ये येलो वाले पेयर को ऊपर लाके 2R I F R 2R I mean 2R, तो आपका ऊपर का येलो सॉल्व हो जाएगा। बस यही दो केस आते हैं वाइट एंड येलो को सॉल्व करने से, ज़्यादा कोई केस नहीं है। तो ठीक है, ये थी पार्ट वन। पार्ट टू में हम मिडिल सेंटर सॉल्व करना सीखेंगे, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।